हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। उससे पहले हम ये समझते हैं पॉलिनेशन का मतलब क्या है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब स्टैमेन के इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गोल गोल, वो पॉलन ग्रेन्स है और वही पॉलन ग्रेन्स को कहा जाता है मेल गैमेट। अब ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होकर पिस्टिल के स्टिग्मा पे लैंड होते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कहा जाता है पॉलिनेशन। अब ये पिस्टिल में ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी है और ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है और ओव्यूल में फीमेल गैमेट्स होते हैं। अब यहाँ रहने वाले ये मेल गैमेट्स इधर से ट्रैवल करके आता है और अंदर रहने वाले फीमेल गैमेट्स के साथ मिलके फ्यूज्ड होता है। फ्यूज्ड होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा और वहीं से सीड बनेगा और सीड से फ्रूट बनेगा। अब ये पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा तक खुद से ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो इन्हें ट्रांसफ़र करवाने के लिए कुछ एजेंट्स काम करते हैं और उन्हीं एजेंट्स को कहा जाता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और वो होते हैं इंसेक्ट जैसे बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, वैस्प, एंट, फ्लाइज, और कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे हमिंग बर्ड, सन बर्ड, और वाटर, विंड, बैट्स, ये सब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन है जो कि पॉलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर करवाते हैं। अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला अबायोटिक एजेंट जो नॉन लिविंग एजेंट होते हैं, दूसरा बायोटिक एजेंट जो लिविंग एजेंट होते हैं। अब अबायोटिक एजेंट में दो एग्जाम्पल है, एक विंड और दूसरा वाटर। विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसे कहा जाता है विंड पॉलिनेशन और उसी को एनिमोफिली भी कहा जाता है। दूसरा वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसे वाटर पॉलिनेशन कहा जाता है, उसी को हाइड्रोफिली भी कहा जाता है। अब देखिए बायोटिक एजेंट यानी कि लिविंग एजेंट, इसके एग्जाम्पल को समझते, इंसेक्ट, बर्ड्स, लार्ज एनिमल्स, रेप्टाइल्स। अब इंसेक्ट के कैटेगरी में देखिए बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, वैस्प, एंट, फ्लाइज, और दूसरा बर्ड्स। बर्ड्स में दो एग्जाम्पल है, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। नेक्स्ट लार्ज एनिमल्स, सम प्राइमेट्स जैसे लेम्यूर्स एंड अर्बोरियल जो ट्री ड्वेलिंग होते हैं। नेक्स्ट रेप्टाइल्स में गीको लिजार्ड एंड गार्डन लिजार्ड, ये सारे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के एग्जाम्पल है। अभी कुछ साइंटिफिक टर्म्स को समझते हैं। देखिए द पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाई एनिमल इज कॉल्ड जूफिली। अगर प्लांट्स का पॉलिनेशन एनिमल से होता है तो उसे कहा जाता है जूफिली। उसी तरह पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स बाई इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोफिली। अगर इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है तो उसे कहा जाता है एंटोमोफिली। उसी तरह अगर बर्ड से होगा तो कहा जाता है ऑर्निथोफिली। अगर पॉलिनेशन बैट से होगा तो कहा जाता है काइरप्टरोफिली, और अगर एंट से होगा तो कहते हैं मैरमोकोफिली। ये कुछ साइंटिफिक टर्म्स है जिसे हम समझ गए। देखिए अभी हम समझते हैं कि जूफिली यानी कि एनिमल पॉलिनेशन, और अब ये एनिमल कोई भी हो सकता है जैसे इंसेक्ट यानी कि बीज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, जो भी एनिमल अभी हमने इससे पहले एग्जाम्पल लिए थे वो सारे एनिमल्स में से कोई भी एनिमल हो सकते हैं। अब हम समझते हैं कि जूफिली कैसा होता है। होता ये है कि जो प्लांट है, प्लांट के फ्लावर में नेक्टरीज नाम का ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स एक लिक्विड को रिलीज करते हैं, उसे कहा जाता है नेक्टर। और ये फ्लावर बहुत ही कलरफुल होता है, अट्रैक्टिव होता है और सुगंध देता है, जिसके कारण एनिमल्स इस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते। तो वो एनिमल अट्रैक्ट के कारण क्या होते, फ्लावर पे आके बैठ जाते। अब ये फ्लावर उन एनिमल्स को वहीं पर रोकने के लिए एज अ रिवॉर्ड नेक्टार प्रोवाइड कर देता है। तो वो एनिमल नेक्टार खाते रहते और खाते वक्त यहाँ वहाँ मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करते वक्त उसी फ्लावर में रहने वाले जो स्टैमेन है वो स्टैमेन के पॉलन ग्रेन उन एनिमल के बॉडी पे अटैच हो जाता है यानी कि चिपक जाता है। अब ये एनिमल यहाँ से निकलकर जब दूसरे फ्लावर पे जाएंगे और सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे तब वो फ्लावर पे जाके बैठ जाएंगे। वहाँ जाने के बाद वहाँ पर भी नेक्टर खाएंगे, तो उस फ्लावर के जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा पे यहाँ से लेके गए पॉलन ग्रेन यानी कि जो उसकी बॉडी पे अटैच्ड है वो पॉलन ग्रेन उस फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा और इस तरह एनिमल पॉलिनेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर एक फ्लावर है एमरफोफेलस, ये टॉलेस्ट फ्लावर है और इसकी हाइट 6 फीट होता है। ये क्या करता है, ये एनिमल्स को रहने के लिए, अंडे रखने के लिए एक सेफ्टी जगह देता है।
तो एनिमल वो सेफ्टी जगह पे आके अंडे रखते हैं और वहाँ पर रहते हैं। लेकिन जो एनिमल वहाँ पर आया है वो एनिमल पहले किसी फ्लावर पे बैठ के आया है, तो वहाँ का पॉलन ग्रेन अपनी बॉडी पे अटैच होके आया हुआ है। अब वो पॉलन ग्रेन यहाँ आने के बाद इस फ्लावर को वो पॉलन ग्रेन दे देता है, तो ये फ्लावर को पॉलन ग्रेन मिलते ही इस फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है और उस एनिमल को एक सेफ्टी जगह मिल जाता है अंडे रखने के लिए। तो दोनों तरफ फायदा होता है, ये फ्लावर का पॉलिनेशन हो जाता है और वो एनिमल को सेफ्टी जगह मिल जाता है अंडे रखने के लिए और वहाँ से वो बेबी को बना लेती है और बाद में वो निकल जाती है। उसी तरह एक और रिलेशन है यूका एंड मोथ के बीच में। यूका नाम का फ्लावर जो है उसकी ओवरी में जो ओव्यूल है, ओव्यूल में मोथ को रहने के लिए जगह देती है, तो मोथ वहाँ पर आकर अपना अंडे रखती है और सेफ्टी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। अब वो अंडे रख देती है, तो अब वो जब मोथ वहाँ पर आती है तो मोथ के बॉडी पे ऑलरेडी पॉलन ग्रेन्स होंगे, तो वो पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर के ओव्यूल को मिल जाएगा और उसी ओव्यूल में उस फ्लावर का फीमेल गैमेट भी है, तो वहाँ पर डायरेक्टली फर्टिलाइजेशन होगा और वहाँ से सीड बनेंगे, सीड से फ्रूट बनेंगे। जब यूका फ्लावर का सीड की तैयारी होती रहती है तब तक ये मोथ अपना अंडे रख के वहाँ से लार्वा स्टेज में क्रिएट कर देती है। लार्वा स्टेज में जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, अब जैसे यहाँ पर सीड का डेवलपमेंट होता है तब वो लार्वा वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस तरह दोनों को फायदा हो गया, मोथ अपने बच्चे को बना लिया वहाँ पर और दूसरी तरफ वो यूका फ्लावर को यहाँ पर पॉलिनेशन करने का मौका मिल गया, यानी कि मोथ ने उसको पॉलिनेशन करवा दिया और यूका ने मोथ को सेफ्टी जगह दे दिया। इस तरह का एक अच्छी बॉन्डिंग होती है अमरफोफेलस फ्लावर में और यूका और मोथ के बीच में भी। विंड पॉलिनेशन, इसी को एनिमोफिली कहा जाता है। अब विंड पॉलिनेशन कैसा होता है वो समझते हैं। जब बहुत तेज़ी से हवा आती है तो एक फ्लावर के स्टैमेन में रहने वाले पॉलन ग्रेन्स उस हवा में उड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो जाता है, इसी को कहा जाता है विंड पॉलिनेशन। अब ये विंड पॉलिनेशन होने के लिए कुछ फीचर्स है जिसे हम समझते हैं, दैट इज़ फीचर्स ऑफ विंड पॉलिनेशन। उसमें पहला पॉइंट है द पॉलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। जो पॉलन ग्रेन्स है वो लाइट और नॉन स्टिकी होना ज़रूरी है, लाइट मतलब हल्का रहना ज़रूरी है। इसका फ़ायदा ये होगा जब बहुत तेज़ी से हवा आता है तो ये हल्के वाले पॉलन ग्रेन्स हवा में आसानी से उड़ते हुए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड हो सकते हैं। और उसके बाद नॉन स्टिकी होना भी ज़रूरी है। नॉन स्टिकी होने का फ़ायदा ये होगा जब वो हवा में उड़ते रहेंगे तो बीच में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसके ऊपर जब वो अटैक होंगे या फिर टकराएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये पॉलन ग्रेन्स अटैच नहीं होंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी है तो अटैच नहीं होंगे। और फिर पीछे से आने वाले वो हवा के प्रेशर से वो पॉलन ग्रेन्स वहाँ से निकलकर दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड हो जाएंगे। देखिए ये पॉलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी है हम समझते, लेकिन जिस स्टिग्मा पे जाके ये अटैच हो रहे उस स्टिग्मा का सरफेस तो स्टिकी एंड है, तो जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाएगा तो वो स्टिग्मा उसको अटैच कर लेगा, मतलब स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को पकड़ लेगा। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट ये है कि वेल एक्सपोज स्टैमेंस, स्टैमेन जो है वो वेल एक्सपोज होना ज़रूरी है। अब वेल एक्सपोज का मतलब क्या होगा, स्टैमेन को खुला रहना चाहिए, एक्सपोज रहना चाहिए, क्लोज नहीं रहना चाहिए, मतलब बंद नहीं रहना चाहिए। देखो पहला ये समझते बंद होने का नुकसान क्या है। अगर स्टैमेन बंद रहेगा तो उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन से वो बाहर आ ही नहीं पाएंगे, तो जब हवा आएगी तो पॉलन ग्रेन हवा में कैसे जाएंगे, तो हवा में उड़ के जा ही नहीं सकते, तो दूसरे फ्लावर के ऊपर लैंड होने का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर वही स्टैमेन एक्सपोज रहेगा, खुला हुआ रहेगा, तो पॉलन ग्रेन्स बाहर रहेंगे, जब हवा आता है तो पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए दूसरे फ्लावर तक पहुंचने का चांसेस है, इसलिए स्टैमेन को वेल एक्सपोज होना ज़रूरी है। तीसरा ये है कि लॉन्ग स्टाइल एंड फीदरी स्टिग्मा, इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये पिस्टिल है एंड पिस्टिल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के अंदर, ये बात हमको पहले से पता है। अब पिस्टिल के अंदर तीन मेन पार्ट है, ये वाला पोर्शन को कहते हैं ओवरी और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो है इसे कहते हैं स्टाइल और ये वाले पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। अब ये जो स्टाइल है ये बहुत ही लॉन्ग यानी कि लंबा होना चाहिए और स्टिग्मा को फीदरी मतलब खुला हुआ रहना चाहिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, जब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स आएंगे तो इनके ऊपर अटैच होने का चांसेस है, मतलब लैंड होने का चांसेस होगा। अगर मान लीजिए कि ये स्टाइल शॉर्ट होता, छोटा होता और स्टिग्मा फीदरी नहीं होता, मतलब अंदर ही दब जाता, तो आने वाले पॉलन ग्रेन्स इनके ऊपर लैंड होंगे इसका बहुत ही कम चांसेस होता,
मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती। इसलिए अगर स्टाइल लॉन्ग रहेगा और स्टिग्मा फीदरी होगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पर पॉलिनेशन हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट देखे, न्यूमरस फ्लावर पैक्ट, उसी को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। इसका मतलब ये है जो विंड पॉलिनेशन होता है उसमें ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बहुत ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को ही कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस। इसका फायदा क्या होगा, जब बहुत सारे फ्लावर जब ग्रुप में होते हैं तो वहाँ से आने वाले जो पॉलन ग्रेन्स है उनमें से पॉलन ग्रेन्स ये इतने सारे फ्लावर में किसी ना किसी फ्लावर के ऊपर वो पॉलिनेशन करके जा सकता है। लेकिन अगर एक ही फ्लावर रहेगा तो आने वाले पॉलन ग्रेन्स उस फ्लावर पे लैंड होंगे या नहीं होंगे इसका तो बहुत कम चांसेस होगा। इसलिए अगर ज़्यादा फ्लावर ग्रुप में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले पॉलन ग्रेन्स वो उन फ्लावर को पॉलिनेशन कर सकता है। इतने फ्लावर में किसी ना किसी कुछ फ्लावर को तो पॉलिनेशन करके जा ही सकता है। इसलिए फ्लावर्स को एक ग्रुप में रहना ज़रूरी है। और आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो कॉर्न कॉब यानी कि मक्का का भुट्टा, उसमें आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे बाहर ग्रुप में रहते हैं और उन्हें हम कहते हैं टैसल्स, और एक्चुअली वो एलोंगेटेड स्टाइल्स होते हैं सारे ग्रुप में, तो उन्हें आप देख सकते हो डायग्राम में, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वाटर पॉलिनेशन, इसी को हाइड्रोफिली कहा जाता है। वाटर पॉलिनेशन को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक फ्रेश वाटर पॉलिनेशन और दूसरा मराइन वाटर पॉलिनेशन। जो पॉलिनेशन फ्रेश वाटर में होता है उसे कहा जाता है फ्रेश वाटर पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन समुद्र के पानी में होता है उसे कहा जाता है मराइन वाटर पॉलिनेशन। जो प्लांट्स फ्रेश वाटर में पॉलिनेशन करते हैं उनका एग्जाम्पल है वैलिसनरिया एंड हाइड्रिला। जो प्लांट्स समुद्र के पानी में पॉलिनेशन करते हैं उनका एग्जाम्पल है सी ग्रासेस सच एज जोस्टरा। अभी हम फ्रेश वाटर पॉलिनेशन और मराइन वाटर पॉलिनेशन को डिटेल में समझते। सबसे पहला फ्रेश वाटर पॉलिनेशन को समझते। देखिए यहाँ पर जो दिख रहा है ये पूरा पानी फ्रेश वाटर है, और ये फ्रेश वाटर में ये प्लांट है, और प्लांट में ये वाला जो दिख रहा है ये फीमेल फ्लावर है। इस फीमेल फ्लावर को स्पेशली अलग से मैंने डायग्राम निकाल के दिखाया है, तो ये पूरा क्या है फीमेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर में ये वाला जो पोर्शन है ये है स्टिग्मा, और आपको पता है स्टिग्मा पे जब पॉलन ग्रेन आके लैंड करता है तभी पॉलिनेशन होता है। अब ये देखिए ये मेल फ्लावर है, और मेल फ्लावर में यहाँ पर मेल गैमेट्स बनते हैं, दैट इज पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो ये मेल फ्लावर पॉलन ग्रेन को रिलीज करेगा। अब जो पॉलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे वो पानी के मदद से ट्रैवल करते हुए यहाँ पर स्टिग्मा के आसपास में घेर लेंगे, तो स्टिग्मा के आसपास में घेरने के बाद फिर बाद में ये स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, और पॉलन ग्रेन जब स्टिग्मा पे लैंड करते तभी पॉलिनेशन हो जाता है। अब एक बात समझिए, ये जो फीमेल फ्लावर है ये पानी के टॉप सरफेस तक पहुंचा हुआ है, जबकि ये जो मेल फ्लावर है ये पानी के अंदर है, और यहाँ से जो पॉलन ग्रेन निकल रहे वो ट्रैवल करते हुए पानी के टॉप सरफेस तक पहुँच रहे जहाँ पर फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है, तो पानी के सरफेस पे यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर फ्रेश वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है। क्लियर हो गया। अभी हम समझते मराइन वाटर पॉलिनेशन, और मराइन वाटर पॉलिनेशन को फॉलो करने वाले जो प्लांट्स है उनका एग्जांपल है सी ग्रासेस सच एज जोस्टरा। जोस्टरा जो प्लांट्स है वो सी वाटर पॉलिनेशन को फॉलो करते, यानी कि मराइन वाटर पॉलिनेशन को फॉलो करते। अभी समझते, देखो ये पूरा जो पानी है ये मराइन वाटर है यानी कि समुंदर का पानी है, और यहाँ पर इधर एक प्लांट है, इस प्लांट में मैंने फीमेल फ्लावर को यहाँ पर दिखाया है, और जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर जो पॉलन ग्रेन को रिलीज करता है वो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ये है, और ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये कभी लॉन्ग तो कभी रिबन शेप में होता है, इसलिए रिबन शेप्ड पॉलन करके यहाँ पर लिखा गया है। आप देख सकते हो ये रिबन शेप का पॉलन ग्रेन है। अब ये पॉलन ग्रेन समुंदर के अंदर है यानी कि पानी में है, तो पानी में कहीं गीला ना हो जाए इसलिए उसके ऊपर एक कवरिंग लेयर होता है। आपको जो ये ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है वो है म्यूसिलेज, तो पॉलन ग्रेन को एक कवरिंग लेयर होता है वो है म्यूसिलेज। अब देखिए ये फीमेल फ्लावर और मेल फ्लावर ये समुंदर के पानी के अंदर है, समुंदर के सरफेस पे नहीं है, समुंदर के पानी के अंदर रहते हैं और वहीं पर इनका पॉलिनेशन होता है।
कैसे होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन यहाँ से पानी की मदद से ट्रैवल करते हुए फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं और पॉलिनेशन कर देता है। और सिंपल सी बात है, ये देखो, ये ऐसा शेप का इसलिए होता है, जब ये रिबन शेप करेगा तो ज़्यादा एरिया में आ रहा है, तो जब ज़्यादा एरिया कवर करते हुए आएगा तो यहाँ रहने वाले फीमेल फ्लावर का जो स्टिग्मा होते हैं उनके ऊपर वो पॉलिनेशन आराम से कर सकते हैं और पॉलिनेशन का चांसेस ज़्यादा रहेगा। अगर थोड़ा छोटा सा अगर सिंगल होता तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाता, शायद पॉलिनेशन नहीं हो पाता। इसलिए ज़्यादा एरिया कवर करने के लिए इस तरह का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है पॉलन ग्रेन, और वो आके स्टिग्मा पे लैंड होकर पॉलिनेशन करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मरीन वाटर पॉलिनेशन हो रहा है वो पानी के अंदर हो रहा है, यहाँ पर फीमेल फ्लावर मेल फ्लावर पानी के अंदर ही होते हैं, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेश वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के सरफेस पे होता है, क्योंकि फीमेल फ्लावर वाटर के सरफेस तक पहुँचा हुआ रहता है और फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा वाला पार्ट भी वाटर के सरफेस तक रहता है। इसलिए पॉलन ग्रेन को यहाँ से ट्रैवल करके वाटर के सरफेस तक पहुँचेंगे और वहीं पर पॉलिनेशन होता है। लोअर प्लांट ग्रुप सच एज अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स डज वाटर पॉलिनेशन। लोअर प्लांट जैसे अलगी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये वाटर पॉलिनेशन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो वाटर प्लांट्स होने के बावजूद भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते, बदले में वो विंड पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल वाटर हायसिंथ एंड वाटर लिली, ये जो प्लांट्स है ये वाटर प्लांट्स होने के बावजूद भी वाटर पॉलिनेशन नहीं करते हैं, बदले में विंड पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन को प्रेफर करते हैं। होता ये है कि ये जो प्लांट्स है ये प्लांट्स का पूरा पार्ट वाटर के अंदर होता है, लेकिन जो फ्लावर है वो वाटर के सरफेस के ऊपर होता है। तब कुछ एनिमल्स जैसे इंसेक्ट, बीज, हनी बीज, मोथ्स, बीटल्स, ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन को लेके आकर इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर देते और एनिमल पॉलिनेशन कर देते। या फिर दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स हवा में उड़ते हुए इस फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड हो जाता है और विंड पॉलिनेशन कर देते। इसका मतलब ये है कि ये वाटर प्लांट्स होने के बावजूद भी वाटर पॉलिनेशन को प्रेफर नहीं करता, बदले में विंड पॉलिनेशन और एनिमल पॉलिनेशन को प्रेफर करता है। अभी देखिए यहाँ पर एक नोट है, इसे समझ लीजिएगा। बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टार। देखो, जो यहाँ पर विंड पॉलिनेटेड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो इतना कलरफुल नहीं होते हैं और वो नेक्टार को भी प्रोड्यूस नहीं करता है। देखिए, आपको पता है जो एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर कैसे थे, वो बहुत ही कलरफुल थे और कलरफुल होने के कारण वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करते थे और एनिमल अट्रैक्ट की वजह से उनके ऊपर आके बैठ जाते थे। अब एनिमल्स को वहीं पर रोकने के लिए वो फ्लावर एज अ रिवॉर्ड के तरह नेक्टार प्रोवाइड करता था और वो एनिमल नेक्टार खाते वक्त यहाँ वहाँ मुँह करते थे और उनके शरीर के ऊपर वो पॉलन ग्रेन अटैच हो जाते थे। अब वही एनिमल जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर वो पॉलन ग्रेन को लैंड कर देते थे और एनिमल पॉलिनेशन हुआ करता था। लेकिन वो एनिमल पॉलिनेशन था इसलिए वहाँ पर एज अ रिवॉर्ड नेक्टार को प्रोड्यूस करना ज़रूरी था, लेकिन वाटर और विंड पॉलिनेटेड फ्लावर के अंदर ऐसा रिवॉर्ड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कोई एनिमल नहीं है, यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है, तो इन्हें नेक्टार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।